पिछले आधे घंटे से खड़े अपन, हवा ही नहीं आ रही। तो अभी अपन करने जा रहे पैराग्लाइडिंग, और भाई लोग रेडी हैं, भुवन भैया भी रेडी हैं, अब बस विंड का वेट कर रहे हैं फिर टेक ऑफ। 2 3 गो रन गो रन रन रन। अभी भी हवा में आओ, कभी भी, अभी भी अपने आप को अप्रैल फूल बनाओ कभी भी। तो कभी कभी कुछ चीज़ें करने में अपने को बहुत डर लगता है, लेकिन वो चीज़ करने के लिए अपने को जो हिम्मत जुटानी पड़ती है उसके लिए कभी कभी अपने आपको अप्रैल फूल भी बनाना पड़ता है। तो ब्लॉग का थंबनेल और स्टार्टिंग देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बात कर रहा हूँ पैराग्लाइडिंग के बारे में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 1 अप्रैल और मेरे 90 डेज ब्लॉग चैलेंज का डे 60। जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बोला था कि 60 डेज कंप्लीट होने पे मैं अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो वो एक्सपीरियंस पैराग्लाइडिंग का है। तो लगभग 2 महीने पहले हम लोग गए थे भीमताल नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए, और उसी टाइम हम लोग गए नागुचिया ताल, सेम डे जिस दिन हम लोग पहुंचे, और उसी दिन शाम को हमने पैराग्लाइडिंग की। तो पैराग्लाइडिंग करते हुए मैं बहुत लोगों की वीडियो देखता था, मुझे लगता था कि पैराग्लाइडिंग करने में बहुत मजा आती होगी, लेकिन मुझे है हाइट का फटेहाल फोबिया। मतलब जब भी ऐसा ऊंचाई पर जाता हूँ और नीचे देखता हूँ तो मुझे दिखती है सिर्फ मौत। यहाँ पे अगर खड़ा हूँ तो नीचे गिरी जाऊंगा और मरी जाऊंगा। यह है नागुचिया ताल पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग करने के लिए हिम्मत जुटाने में मुझे काफी टाइम लगा। थोड़ा सा जब मैं पर्ची वर्ची काट के फॉर्म पे साइन करके वहाँ पे खड़ा था, और जब उन्होंने मुझे बेल्ट पहनाई तब मेरे को इतना ज़्यादा डर लगा, मैं सोचा कि कैंसिल कर दूँ कि मेरे को नहीं करना है, क्योंकि बहुत हाइट थी वहाँ पे और वहाँ से देखने में नीचे मुझे इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अगर करूँगा तो शायद जिंदा नहीं बचूंगा, इस टाइप की फीलिंग आ रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि बस बैकआउट करता हूँ, कि बोल देता हूँ नहीं जा पाऊंगा। और वहाँ पे एक और सीन था कि मेरा वेट ज़्यादा था, मेरा वेट 80 kg था, और ये लोग 70-75 kg तक ओके रहते हैं। 80 kg के बाद इनका थोड़ा हालत खराब होता है, क्योंकि विंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से पैराग्लाइडिंग कर पाओगे। तो मेरे जो पायलट थे उनका नाम भुवन राम था, भुवन बाम नहीं, और हम लोगों ने कम से कम 15-20 मिनट तक वेट किया था विंड के आने का। पिछले आधे घंटे से खड़े अपन, हवा ही नहीं आ रही। मतलब सब जन खड़े थे और जो लोग पैराग्लाइडिंग करने के लिए लाइन में लगे थे वो लोग रुके हुए थे, और इवन मेरा कैंसिल होने ही वाला था तब से विंड आई और हमने तभी टेक ऑफ किया था। तो ब्लॉग पूरा देखने के बाद लास्ट में जान लें कि एक्चुअली कितना पैसा लगता है और कहां पे आप जाके इजिली कर सकते हो पैराग्लाइडिंग। 3 गो रन गो रन रन रन। अभी भी हवा में आओ कभी भी। ओहो भुवन भैया एक नंबर यार, मैं पहली बार कर रहा हूं। अभी भी ट्राई करो कभी भी। ओहो मजे भाई साहब मजे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी हूँ मैं हवा में भुवन भैया के साथ। भुवन भैया पिछले 8 साल से फ्लाई कर रहे हैं और मैं और मेरा भी पायलट है। तो हबीबी कभी भी आओ फ्लाई करो। यह है नागुचिया ताल पैराग्लाइडिंग, और हबीबी हवा में आओ कभी भी। तो गाइस मैं पहले डर रहा था कि मैं आऊँ कि नहीं आऊँ हवा में, लेकिन अब लग रहा है कि आना चाहिए, सबको आना चाहिए, क्योंकि एक बार आप बस रन कर लो और हवा में आ जाओ उसके बाद डर खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में भाई हमारा बहुत सुख चुकी हुई, अभी भी हमारा हाइक से सुख चुकी होती, लेकिन अभी ठीक होती। अभी भी पैराग्लाइडिंग करो कभी भी। तो बस हम थोड़ी देर में लैंड होने वाले हैं, हमारा लैंडिंग स्पॉट सामने आ गया मेरे ख्याल से। तो भुवन भैया के साथ बहुत मजा आया, भुवन बाम नहीं भुवन राम, एंड लैंड करता हूँ फाइनल। अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब करो कभी भी, हम लैंड कर दी। इधर ने एक नंबर, मजा आ गया मजा आ गया यार, पता ही नहीं चला कब ऊपर से नीचे आ गया, लेकिन बहुत मजा आया। थैंक यू भुवन भैया, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। तो लैंड करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, मतलब मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि मैंने पैराग्लाइडिंग फाइनली की लाइफ में। तो पैराग्लाइडिंग करने का एक्चुअली प्लान कैसे बना और वो रियल टाइम एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ पे किया वो मैंने एक ब्लॉग में रिकॉर्ड किया था, और वो मैं अपलोड कर चुका हूँ 2 महीने पहले ही, वो वीडियो मैं लास्ट में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं उसको पूरा। और पैराग्लाइडिंग करने के लिए मुझे लगे 2000 रुपये, वहाँ पे 2000 रुपये चार्ज किया उन्होंने, एक फॉर्म साइन कराया, वेट लिया, और अगर वेट आप ओवर वेट हो तो चांस ये होते हैं कि शायद तक आपका पैराग्लाइडिंग ना हो, एंड विंड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। एंड अदर देन दैट जो वीडियो रिकॉर्ड हुई जो आपने मेरे को पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा वो GoPro पे रिकॉर्ड हुई, और वो कैमरा वो खुद देते हैं, 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं उसके लिए। हाँ लैंड करने के बाद आपको कुछ फोटोज़ वगैरह दिखाएंगे DSLR की, अगर आप खरीदना चाहो तो अलग से परचेज कर सकते हो, वो उसके कुछ अलग से चार्ज करते हैं, वो आपको वहीं बताते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आती करते हैं भाई साहब। तो एक बार पैराग्लाइडिंग करने ज़रूर जाएँ, और नागुचिया ताल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू था पैराग्लाइडिंग करने का, एंड मैंने तो अपना बकेट लिस्ट पूरा कर लिया, और मेरे को हाइट का फोबिया भी था, अगर आपको भी हाइट का फोबिया है तो भी जाएँ ट्राई करें,
डर लगता है थोड़ा सा, लेकिन एक बार जब आप जंप कर जाओगे और एयर में आओगे हवा में तो ऐसा लगता है कि पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ टुडेज ब्लॉग। मिनी ब्लॉग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट जरूर करना। मिलते हैं कल शाम को। गुड नाइट, स्लीप टाइट। 90 डेज ब्लॉग चैलेंज का डे 60 यहीं तक था। और हबीबी, अपना जिंदगी में पैराग्लाइडिंग ट्राई करो कभी भी। सायोनारा, बाय बाय। डर के आगे जीता है हबीबी, डर के आगे जीता है। देखते हैं भैया, यहाँ पे कैमरा में ध्यान मत रखना, रन करने में अनिवार्य है। ठीक है, रन नहीं करोगे तो ये चोट भी लगेगी। ठीक है, हाय सर। अभी भी टेक ऑफ करो कभी भी।